बहुत कथा हो रही है जिसमें जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा है कि जो वैराग्य धारण कर चुका है उसके लिए आचरण और भक्ति की पवित्रता अति आवश्यक है। इसके साथ ही जो गृहस्थ आश्रम में है उसके लिए भी जिह्वा और मनोविकार पर अंकुश आवश्यक है। अन्न की शुद्धता का महत्व तो बताते हुए स्वामी जी ने कहा कि गौ आधारित खेती सबसे अच्छे उपाय है। वैसे अन्न खाएंगे, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हुआ, जैसा पानी पिएंगे वैसी वाणी निकलेगी, इसलिए अन्न और जल की शुद्धता आवश्यक है। रसायन युक्त भोजन ग्रहण और अशुद्ध तरल पेय का प्रभाव है कि तन और मन दोनों को अनेक प्रकार के विषाक्त विकारों के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है। शरणागति संपूर्ण समाधान है। जब विशेष विपत्ति से घिर जाए तो शरणागति से अच्छा उपाय कुछ नहीं है। ईश्वर को अपना संपूर्ण समर्पित करके ईश्वर कृपा को मानकर अपने आप को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब ब्रज समस्त गोपालों के ऊपर उतना रूप में विपत्ति आई तो बाल्यावस्था में ही श्री ठाकुर जी ने ब्रज की विपत्ति दूर करने के लिए पूतना का उद्धार किया। ईश्वर के प्रति समर्पण का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। हॉकी और फुटबॉल के नाम